तो चलिए हेडिंग लगाएंगे आप फराडेज लॉ, फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो लॉ हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, फॉर्मुला भी बता दे रहे हैं, बट बाद में एक मेथड दिखाएंगे कि बिना फॉर्मुला लगाए भी क्वेश्चन सॉल्व होता है और बढ़िया कंसेप्ट होता है। फराडेज ने दो लॉ दिए इलेक्ट्रोलाइसिस पे, और जो पहला लॉ है, पहले थोड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस याद कर लो क्या होता है कि यहाँ पे एक हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एक को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। जिसको पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं उसको एनोड बोलते हैं, और जिसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं उसको कैथोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा होता है यहाँ गैल्वेनिक सेल का, गैल्वेनिक सेल का उल्टा। फिर सॉल्यूशन में हमारे पास आयंस होते हैं, कुछ हमारे पास कैटायंस होते हैं, कुछ हमारे पास एनायंस होते हैं। कैसे बनते हैं? जब आप इलेक्ट्रिक करंट भेजते हो तो ये कंपाउंड कैटायंस और एनायंस में टूट जाता है। फिर कैटायंस जाते हैं कैथोड पे, एनायंस जाते हैं एनोड पे। एनायंस वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है। कैटायंस जाके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब ये आयंस इलेक्ट्रोड पे जाके अपने चार्ज को खत्म करते हैं, अपने चार्ज को खत्म करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलो तो हम बोलते हैं डिस्चार्ज होते हैं। कौन डिस्चार्ज होता है? आयंस जो होते हैं। तो इसी से जुड़ा फराडे का पहला लॉ हम पढ़ते हैं। सो फराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये रहा आपके सामने। द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोल लो या सोल्यूशन बोल लो, सोल्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। ऐसे सोल्यूशन जो इलेक्ट्रिक करंट के आने पर आयंस में टूट जाए और आयंस का मोशन हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। तो ओवरऑल ये क्या कह रहे हैं कि जो द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है, मतलब कितना कैटायन जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगा, या कितना एनायन जाके एनोड पे डिपॉजिट होगा, या जो द मास ऑफ गैस लिबरेटेड है। अब क्या पता यहाँ पे जो कैटायन हो वो एच प्लस हो, तो एच प्लस यहाँ जाके क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो हो सकता हो मास ऑफ गैस लिबरेटेड हो इस एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। भाई जितना ज्यादा करंट दोगे और जितने लंबे समय तक करंट दोगे, यानी चार्ज की बात हो रही है, जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतना ज्यादा डिपोजिशन या उतनी ज्यादा गैस इवॉल्व होगी, है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई जितनी देर करंट लगाओगे और जितना ज्यादा करंट लगाओगे उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो ये कह रहे हैं द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या मास ऑफ गैस लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू सॉल्यूशन। यही है फराडेज का फर्स्ट लॉ, सिर्फ यही है। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ज्यादा चार्ज दोगे तो ज्यादा डिपॉजिट होगा, कम चार्ज दोगे कम डिपॉजिट होगा। फिर हमने कहा यह प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमको हटाना है, इसकी जगह एक कॉन्स्टेंट को लाना है। तो एम इज इक्वल टू हमने लिखा जेड इन टू क्यू, ये बन गया फॉर्मूला। अब Z एक कांस्टेंट है, Z क्या है? एक कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। और Z अलग अलग कैटायंस अलग अलग एनायंस के लिए अलग अलग होता है, मतलब ये कैटायन और एनायन पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम। Z का एक नाम भी है, नाम है ECE, Z का नाम है ECE, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अभी फिर बात करते हैं इस पे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहां से हमने I करंट लॉन्च किया और T टाइम तक करंट फ्लो हुआ, तो क्या आप बता सकते हो कितना चार्ज फ्लो हुआ? आपको पता होगा करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी यहां से चार्ज का फॉर्मूला बन रहा है I इंटू टी। तो हम यहां लिख सकते हैं M इज इक्वल्स टू क्यू की जगह I इंटू टी, क्यू की जगह I इंटू टी। M इज इक्वल्स टू जेड आई थी, कौन आई थी? जेड आई थी, कोई नहीं आई थी, पढ़ाई कर लो, कौन आई थी? कोई नहीं आई, कब आएगी? कभी नहीं, चलो पढ़ाई करते हैं। M इज इक्वल्स टू जेड आई थी, ठीक है, where Z depends upon the cation or anion used. I is current, T is time. सबको SI unit में रखना, करंट को एम्पियर में, टाइम को सेकंड में। ना दिया हो सीधा चार्ज, दिया हो तो चार्ज रख दो भाई। अब बात आती है Z क्या चीज है। तो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और Z कैसे निकलेगा बच्चों? Z इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन फराडेज कॉन्स्टेंट F. ये है Z, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडेज कॉन्स्टेंट, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडेज कॉन्स्टेंट। अब फराडेज कांस्टेंट हो सकता हो आपको दिया हो सवाल में, नहीं दिया हो तो पिछले कई लेक्चर से हम आपको बता रहे हैं कि फराडे होता क्या है। भाई वन फराडे हमने आपको कई बार बताया, फराडे क्या होता है? चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं फराडेज कांस्टेंट। ये भी एक कांस्टेंट है, चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं फराडे, और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है 96500 कूलम। IIT में जब भी सवाल आया है तो वैल्यू दे देता है, एग्जाम में भी आपको देगा, नहीं देगा तो आप ये यूज कर लो।
ये क्या है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन, ऐसे झोला भर के एक मोल इलेक्ट्रॉन ले लो, उस पर जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे चार्ज, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है। इस बच्चों इक्विवेलेंट वेट, अब इक्विवेलेंट वेट भगवान बचाए आपको आना चाहिए क्लास 11th में 12th में कहीं तो पढ़ा होगा इक्विवेलेंट वेट, अगर नहीं पढ़ा इक्विवेलेंट वेट तो कैसे निकालोगे। इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चों मोलर मास डिवाइड बाय एक्स, मोलर मास डिवाइड बाय एक्स। अब बोलोगे एक्स क्या होता है, पहले इतना नोट करो फिर एक्स की बात करते हैं। एक्स अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है, पर यहां बेसिकली हम आयंस की बात करेंगे तो एक्स का मतलब चार्ज ही होगा, चार्ज ऑन आयन, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो एक्स होगा, या चार्ज बोल लो सिंपल, बेसिकली चार्ज नहीं कह सकते, चार्ज ट्रांसफर कह लो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कह लो, ठीक है, दिखने लगेगा अभी धीमे धीमे। मोलर मास बाय एक्स है ना, वैसे तो एक्स बहुत कुछ होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास अपॉन हम कई बार क्या करते हैं, एसिड के केस में उसकी बेसिसिटी रखते हैं, बेस के केस में एसिडिटी रखते हैं, सॉल्ट के केस में चार्ज रखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत कहानी, इक्विवेलेंट वेट थोड़ी ना पढ़ना है, फैराडेज़ लॉ पढ़ना है। तो एक्स अभी मान लेना कि जो आपको कैटायन या एनायन दिया हो, उस कैटायन या एनायन का ऊपर तो मोलर मास रखो, नीचे उसका चार्ज रखो, जो चार्ज उसका चेंज हो रहा हो डिस्चार्ज होते वक्त, है ना, मान लो उसके ऊपर +1 चार्ज है जाके 0 हो गया तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, +2 चार्ज है 0 हो गया तो एक्स की वैल्यू 2, ऊपर उसके टाइम का मोलर मास या एनायन का मोलर मास। तो m इज इक्वल्स टू जेड इनटू क्यू, m इज इक्वल्स टू जेड आई टी, वेयर जेड इज इक्वल्स टू ई बाई एफ, एफ है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या 96500 कूलम, ई है इक्विवेलेंट वेट, निकलेगा मोलर मास बाई एक्स। अभी एक क्वेश्चन हम फॉर्मूले से भी कराते हैं, फिर आपको यूनिटरी मेथड भी दिखाते हैं, लिखने को फॉर्मूला लिख लो, तो लॉ समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जितना ज्यादा चार्ज दोगे हुप 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 उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा, गुप गुप गुप, क्लियर, नोट कर लें इसको, फिर मिटा दूं। आते हैं सेकंड लॉ पे, तो फराडे का सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ का ही एक्सटेंशन है। ये बोलता है इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशंस या डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, है ना, गैस के केस में हो जाएगा लिबरेटेड, गैस लिबरेट होगी, लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। जरा समझो क्या है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करें थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, एक काम करते हैं यहां पे हम कम से कम 2 इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, मान लो इसमें हमने सोल्यूशन ले लिया जिंक सल्फेट का, इसमें हमने सोल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का, ठीक है, दो दो इलेक्ट्रोड्स लगा लिए, ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशन में से हमको सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पहले तो पास करना है। तो एक तरीका तो है कि बराबर करंट बराबर टाइम के लिए सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, इसका एक तरीका है कि करंट सेम हो और टाइम सेम हो, है कि भाई करंट और टाइम अगर सेम हो जाए तो क्यू भी क्या हो जाएगा सेम। तो हम क्या करें, हम क्या करें कि इन दोनों को एक ही सेल से कनेक्ट कर दें, किताब में भी ऐसे भी लिखा होता है इफ टू और मोर सॉल्यूशन आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, भाई सीरीज में करंट क्या होता है सेम, ये पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है करंट सब में सेम होता है, सीरीज में पढ़ा होगा आपने करंट इज सेम, तो दोनों में करंट सेम हो गया और सेम टाइम के लिए इसको हम फ्लो कराएं, आई भी अपने आप क्या हो गया सेम क्योंकि सीरीज में है और हम सेम टाइम के लिए करंट फ्लो कराएंगे, तो आई और टी सेम होने से क्यू भी सेम हो जाएगा, तो दोनों में क्यू सेम है। तो बोल रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। जरा समझते हैं, अगर मैं पूछूं कि यहां कितना जिंक डिपॉजिट हुआ, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जेड इनटू क्यू बोलोगे। अच्छा, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई एफ इंटू क्यू, यही होगा ई बाई एफ इंटू क्यू, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड ई जिंक का अपॉन एफ इंटू जो चार्ज। यहां से कॉपर डिपॉजिटेड हुआ, हमने पूछा मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बताओ, तो आप बोलोगे जेड इंटू क्यू, इस बार हो जाएगा ई ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट सबका अलग अलग होता है अपॉन एफ इंटू क्यू। अच्छा, क्यू तो दोनों में सेम होगा कि अलग अलग होगा, चार्ज तो सेम है, जेड की वैल्यू होती है ना ई बाई एफ, सबका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या मुझे ये मिलेगा, मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। डिवाइड करोगे फराडे फराडे कैंसिल, भाई ये तो कांस्टेंट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्यू क्यू कैंसिल मिल गया, तो यहां से आपको दिख रहा होगा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, दिख रहा है कि नहीं, एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल्स टू ई वन अपॉन ई टू, ऐसे लिख सकते हो, एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल्स टू ई वन अपॉन ई टू। तो फोर्सफुली इसको यूज करने की कोशिश मत करना फॉर्मूले को, जब किसी सवाल में सीधा सीधा एकदम 2 इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हो, सीधा सीधा इक्विवेलेंट वेट दिख रहा हो या मास दिख रहा हो, तभी यूज करना, अदरवाइज बेस्ट रहेगा कि आप इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करो, बेस्ट वही है, इसके क्वेश्चन भी इक्वेशन बना के हो सकते हैं, ऐसे लिखा रहता है और बुक में ऐसे फॉर्मूला लिखता है, कहां से आया समझ में आ गया, z इनटू q किया, z की जगह e बाई f लिखा, क्लियर है, एक सवाल।